ओके तो पहला वाला था हमारा कॉज और रीज़न, जहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है। फिर हम अपना दूसरा वाला डिस्कस कर रहे थे जहाँ पे इनएबिलिटी टू पे डेट्स, और ये तीन पार्ट में चलता है। सबसे पहले नोटिस, उसके बाद नेक्स्ट वन इज डेक्री, और उसके बाद थर्ड वन इज क्या है, कमर्शियल इंसॉल्वेंसी। आई एम जस्ट राइटिंग सी आई, कमर्शियल इंसॉल्वेंसी। सो नोटिस को हम डिस्कस कर चुके हैं, नाउ डेक्री। अब डेक्री क्या है कि ट्रिब्यूनल ने, ट्रिब्यूनल का मतलब क्या है, कोर्ट, ट्रिब्यूनल ने क्या करा उस क्रेडिटर को, उस क्रेडिटर को मतलब मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स को क्या दे दिया, एक डेक्री दे दिया। डेक्री मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो कि किसके फेवर में इशू करा गया, मिस्टर एक्स के फेवर में, कि विद इन 3 वीक्स भी कंपनी ने मिस्टर एक्स को पेमेंट नहीं किए। नाउ इन द थर्ड स्टेप, व्हाट इज कमर्शियल इंसॉल्वेंसी। कमर्शियल इंसॉल्वेंसी के अंदर हम ये कह देते हैं कि कंपनी क्या है, इंसॉल्वेंट हो गई है। अगर ट्रिब्यूनल कोई सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि कंपनी अपने डेट्स को पे नहीं कर सकती है, तो ये क्या माना जाएगा, कमर्शियल इंसॉल्वेंसी। और ये कैसे डिस्क्लोज होगा, कंपनी की बैलेंस शीट से, जहाँ पर हमें ये पता चलेगा कि कंपनी के जो एसेट्स है वो कम है उसकी लायबिलिटीज से, यानी कि एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ द लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। ओके, नाउ इस पर्पज़ के लिए लायबिलिटीज कौन कौन सी होंगी, जो एग्जिस्टिंग है वो तो है ही, साथ में कंटिजेंट लाइबिलिटीज यानी कि जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, और साथ ही साथ प्रोस्पेक्टिव लाइबिलिटीज। प्रोस्पेक्टिव लाइबिलिटीज हमारी वो लाइबिलिटीज होंगी विच आर गोइंग टू बी, लाइक सपोज कोई बीपी है यानी कि बिल पेएबल एंड इट इज़ फॉर 3 मंथ्स, तो आफ्टर 3 मंथ्स वी हैव टू मेक पेमेंट टू द क्रेडिटर। ओके, ट्रेड क्रेडिटर को ही हम, ट्रेड क्रेडिटर ही हमें बिल्स पेएबल इशू करता है। सो अब एक चीज़ और आती है यहाँ पर, लॉसेस। इट डजेंट मीन कि कंपनी बार बार लॉसेस इनकर कर रही है तो कंपनी की, कंपनी को कमर्शियली इंसॉल्वेंट कर दिया जाए, ये कहना गलत होगा। ओनली इन दिस केस जहाँ पर कंपनी के एसेट्स क्या है, कम है लायबिलिटीज से, कि कंपनी अपने डेट्स को पे नहीं कर सकती है, वहाँ पर ट्रिब्यूनल कंपनी को कमर्शियली इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर सकता है। ओके, नाउ जो ट्रिब्यूनल है वो कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकता है जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाएगा कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है वो उसके एसेट्स से ज़्यादा है। ओके, और जब कंपनी से उसकी पेमेंट डिमांड करी गई तो कंपनी उसकी पेमेंट नहीं कर पाई है। ओके, नाउ द थर्ड थिंग इज कि ट्रिब्यूनल जो है वो एक ऐसा ऑर्डर पास करने से रिफ्यूज़ भी नहीं कर सकता है वाइंडिंग अप के टाइम पे, व्हेन डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ द डेट आफ्टर डिमांड विद इन 3 वीक्स हैज बीन कमिटेड बाय द कंपनी इवन दो द एसेट्स ऑफ द कंपनी वर मच देन लायबिलिटीज। भले ऐसा हो कि कंपनी के एसेट ज़्यादा हो लायबिलिटीज से, लेकिन अगर 3 वीक्स के अंदर अंदर कंपनी ने पेमेंट नहीं करी है मिस्टर एक्स को, तो इस केस में क्या होगा, कंपनी को कमर्शियली इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उसे वाइंडिंग अप के लिए बोल दिया जाएगा। सो वी हैव डिस्कस आवर 2 टॉपिक्स, द फर्स्ट वन इज कॉज और रीज़न जहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है, एंड द सेकंड वन इज इन एबिलिटी टू पे डेट्स, जहाँ पे हमने 3 स्टेप्स में इसको पढ़ा, पहले नोटिस दिया जाएगा, फिर डेक्री, डेक्री के बाद कमर्शियल इंसॉल्वेंसी। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ द थिंग इज, इट इज़ अ पॉइंट जस्ट एंड इक्विटेबल। जस्ट एंड इक्विटेबल को हम सिंपली कह सकते हैं फेयर और मॉरल, ठीक है। वैसे ये यूज़ होता है लॉ के लैंग्वेज में, ठीक है, जहाँ पे भी लॉ ऑर्डर तो पास करता है, दोबारा सुनिएगा, लॉ ऑर्डर तो पास करता है बट कंसीडरिंग दी प्रिंसिपल। ओके, यहाँ पे दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है, ऑर्डर को भी और प्रिंसिपल को भी। अब हमारा कौन सा केस है, तीसरा वाला, जस्ट एंड इक्विटेबल, फेयर एंड मॉरल। जस्ट एंड इक्विटेबल के केस में अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जस्ट एंड इक्विटेबल कंपनी को वाइंड अप किया जाए, तो ट्रिब्यूनल कंपनी को वाइंड अप कर सकता है। और ये पार्ट ट्रिब्यूनल को क्यों दिया गया है, ध्यान रखिएगा कि जस्ट एंड इक्विटेबल में ये पार्ट ट्रिब्यूनल को क्यों दिया गया है, ताकि आपको ये 2 वर्ड याद रखने हैं, ताकि माइनॉरिटी को और किसको, वीकर ग्रुप्स को, माइनॉरिटी को और वीकर ग्रुप्स को। सपोज करो किसी कंपनी में कोई ग्रुप है जो माइनॉरिटी का है, या फिर कोई ग्रुप है जो वीकर है, ठीक है, ताकि जो मेजर शेयर होल्डर्स है वो अपनी पावर को प्रिजुडाइज ना करे ओवर द
ओवर द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. ओके, तो इसलिए ट्रिब्यूनल को ये पावर दी गई ताकि वो इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके. और ऐसा कोई ऑर्डर पास करने से पहले, जस्ट एंड इक्विटेबल के ग्राउंड्स पे कोई ऑर्डर पास करने से पहले, वाइनिंग अप का ऑर्डर पास करने से पहले, ट्रिब्यूनल को क्या क्या ध्यान रखना है? क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज और शेयर होल्डर्स उसके ऑर्डर से सफ़र ना करें. ये ड्यूटी किसकी हुई? ट्रिब्यूनल की. ओके, नाउ द थिंग इज, जस्ट एंड इक्विटेबल के लिए आप छोटी सी कहानी सुनाऊंगी. छोटी सी कहानी किसकी? दो सहेलियों की. तो दो सहेलियाँ कौन कौन थी? एक थी लतिका और दूसरी थी लवली. ओके, लतिका कहाँ रहती थी? दिल्ली में रहती थी. लवली कहाँ रहती थी? उड़ीसा रहती थी. और ये दोनों कौन थी? बेस्ट फ्रेंड. ये दोनों कौन थी? बेस्ट फ्रेंड. तो लतिका लवली की स्टोरी, ये दो चोटी वाली कौन है? लतिका. और ये एक चोटी वाली कौन है? लवली. ठीक, अब ये दोनों कौन थी? बेस्ट फ्रेंड. लतिका कहाँ रहती थी? दिल्ली में. ठीक, और ये कहाँ रहती थी? उड़ीसा. ये दोनों कौन थी? बेस्ट फ्रेंड. अब बस आपको यही टर्म्स याद रखनी है, एल एल डी ओ बी एफ. क्या टर्म्स होगी? एल एल डी ओ बी एफ. नाउ अब जस्ट एंड इक्विटेबल के अंदर देर आर सिक्स ग्राउंड्स. ओके, सिक्स ग्राउंड्स यानी कि जिसके बेसिस पर, 1 2 3 4 5 6, जिसके बेसिस पर कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है. तो मैंने आपको स्टोरी सुनाई एल एल डी ओ बी एफ, एल एल डी ओ बी एफ. ठीक है, सबसे पहला डिस्कस करते हैं एल. एल से क्या है? लॉसेस. अगर एक बिजनेस सब्सटैंशली लॉसेज ही इनकर करता जा रहा है, बार बार उसको लॉस हो रहा है, तो इन फ्यूचर जाकर के वो वैसे भी अपने क्रेडिटर्स का या फिर डिबेंचर होल्डर्स का पैसा पे ऑफ नहीं कर पाएगा, यानी कि उनका डेट फुलफिल नहीं कर पाएगा. तो इट मीन्स जहाँ पे कंपनी सिर्फ लॉस पर ही चल रही है, वहाँ पे ट्रिब्यूनल कंपनी को जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड पे वाइंड अप के लिए बोल सकता है. ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड एल. सेकेंड एल स्टैंड फॉर लॉस ऑफ सबस्ट्रैटम. लॉस ऑफ याद रखिएगा, मैं सिर्फ सबस्ट्रैटम लिख रही हूँ. लॉस ऑफ सबस्ट्रैटम. सबस्ट्रैटम क्या होता है? कंपनी का ऑब्जेक्ट. भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके लिए कंपनी को बनाया गया. अब सपोज कीजिए कंपनी को बनाया गया था, अब ये देखिए एग्जांपल आता है कोरोना वायरस का. कोरोना वायरस कैसे बोले, कैसे फैला? बैट के सूप से. ओके, अब मान लीजिए बैट के सूप से, ये गंदी सी शक्ल का बैट, अब इसके सूप से कोरोना वायरस फैल भी गया. अब जहाँ पर बैट का सूप बनता होगा वहाँ पर गवर्नमेंट क्या कह देगी? भाई इसको बैन करो, इससे बीमारी फैल रही है, तो वो उसको बंद करा देगी. अब जो कंपनी खुली थी वो खुली किस लिए थी? बैट का सूप बेचने के लिए. तो ये जो ऑब्जेक्ट था कंपनी का, अब तो ऑब्जेक्ट ही खत्म हो गया ना. तो जब ऑब्जेक्ट ही खत्म हो गया तो उस केस में कंपनी नहीं रहेगी. तो यानी कि यहाँ पर जब सबस्ट्रैटम होता है जिस ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी को बनाया गया हो, अगर कंपनी का सबस्ट्रैटम ही लॉस हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उस केस में कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जस्ट एंड इक्विटेबल. नाउ यहाँ पर हम दो केस स्टडीज भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, मैं जल्दी जल्दी डिस्कस करूँगी. एक हमारी केस स्टडी है स्टीम नेविगेशन कंपनी की. ओके, और दूसरी हमारी केस स्टडी है जर्मन डेट कॉफ़ी की. जर्मन डेट कॉफ़ी में क्या हुआ था कि यहाँ पे इस कंपनी ने सोचा था कि ये जर्मन पेटेंट लेकर के कॉफ़ी बनाएगी, ये इसका ऑब्जेक्ट था. लेकिन जर्मनी की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसको क्या बोला मैंने, जर्मनी की गवर्नमेंट ने इसको पेटेंट ही नहीं दिया. अब बताओ जब पेटेंट ही नहीं दिया तो ऑब्जेक्ट ही खत्म हो गया. तो इसलिए जस्ट एंड इक्विटेबल के ग्राउंड पे लॉस ऑफ सबस्ट्रैटम का केस आगे रख करके जर्मन जो डेट कॉफी कंपनी थी इसको वाइंड अप कर दिया गया. दूसरा केस आता है स्टीम नेविगेशन कंपनी का. ये कंपनी बनाई गई थी कि ये कंपनी एक स्टीम शिप बनाएगी. क्या बनाएगी? स्टीम शिप. इसके लिए इसको क्या चाहिए थे? फ्लाइंग स्टीमर्स चाहिए थे, यानी कि चलने वाले स्टीमर्स. अब इसने एक कंपनी से फ्लाइंग स्टीमर्स लिए, कितने? 9, जिसके अंदर से 7 जो थे वो इसके पर्पस के लिए सूटेबल नहीं थे और 2 इसकी डिमांड को फुलफिल कर रहे थे. तो इसने कहा जस्ट एंड इक्विटेबल के ग्राउंड पे हमारी कंपनी को क्या करो? वाइंड अप कर दो. लेकिन लॉ ने कह दिया नहीं, यहाँ पे सबस्ट्रैटम लॉस थोड़ी हुआ है भाई. 2 अगर तुम्हारी डिमांड से मैच कर रहे हैं तो बाकी 7 तुम कहीं और से खरीद लो, या फिर बाकी 7 बाद में तुम्हें और डिमांड दोबारा से मिल जाएंगे. तो सबस्ट्रैटम तो नहीं खत्म हुआ ना, यानी कि ऑब्जेक्ट तो अभी भी फुलफिल हो सकता है. तो
इसका मतलब ये है कि अगर सबस्ट्रेटम लॉस होगा तभी क्या होगा, वाइंडिंग अप होगा जस्ट एन इक्विटेबल के ग्राउंड पे. ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड वन इज डेडलॉक इन मैनेजमेंट. डेडलॉक का मतलब क्या होता है, स्टैंड स्टिल, मतलब वो चीज कंप्लीटली लॉक हो गई है. अब यहाँ पर क्या होता है, अगर मैनेजमेंट में कंप्लीट डेडलॉक हो जाता है तो कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है. येनिजी टोबैको कंपनी थी एक, वहाँ पर दो शेयर होल्डर्स थे, एक था डब्लू और एक था आर. बेटा दो ही शेयर होल्डर्स थे कंपनी में, एक डब्लू और आर. ये दोनों शेयर होल्डर्स आपस में एक दूसरे के इतने कट्टर एनिमी हो गए थे, दोनों को एक दूसरे की शक्ल तक पसंद नहीं थी, मतलब हंसते हुए भी गुस्सा आ जाता था इन्हें एक दूसरे की शक्ल देख करके. तो अल्टीमेटली हुआ क्या, इन दोनों ने बातचीत करना बंद कर दिया. और जब इन दोनों ने बातचीत करना बंद कर दिया तो ये दोनों जब शेयर होल्डर्स थे तो हम इन्हें क्या कह सकते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट. और जब एक दूसरे बात ही नहीं कर रहे तो कंपनी के मैनेजमेंट में क्या आ गया, डेडलॉक. यानी कि इन दोनों ने कहा हम तो मिलकर के अब कंपनी के ऑपरेशंस को कंटिन्यू नहीं कर सकते. तो इसका मतलब अगर कंपनी की मैनेजमेंट में डेडलॉक हो जाता है तो उसको वाइंड अप किया जा सकता है. नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी. अगर कहीं पर कोई मेजर ग्रुप जो है जिनका पांच मान लो शेयर ज्यादा है, तो जहां पर मेजर ग्रुप जो होता है अगर वो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रीजुडाइज करता है तो उस केस में कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है. ओके, कमिंग टू द थर्ड वन इज बी. बी से क्या है, बबल कंपनी. जब आप बबल की बात करते हैं तो माइंड में क्या आता है, एक ऐसे छोटा सा बबल आता है. ठीक है, अब ये बबल क्या है, ये एक वर्ड के लिए यूज करा है. किस वर्ड के लिए, क्या लिखा है यहाँ पे, इमेजिनरी. कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है, फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है. ओके, सिर्फ मेंटल फॉर्म में एग्जिस्टिंग है. तो मैं उस कंपनी को कह सकती हूँ इमेजिनरी. ये कंपनी ज्यादातर बनाई जाती है जहां पर क्या करते हैं, पैसा लगा दिया जाता है कि चलो राइज होगा, अगर शेयर प्राइस राइज हो गया तो हम क्या करेंगे, ऐसे प्रॉफिट कमा लेंगे. तो अगर कोई बबल कंपनी, जहां पे कोई बबल कंपनी है, इमेजिनरी कंपनी, कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको भी जस्ट इन इक्विटेबल के ग्राउंड्स पे वाइंड अप किया जा सकता है. कौन वाइंड अप करेगा, ट्रिब्यूनल. हमेशा याद रखिएगा, ट्रिब्यूनल रिफर्स टू कोर्ट. ओके, नाउ द लास्ट वन इज एफ. एफ से अब हम डिस्कस करते हैं क्या, फ्रॉडुलेंट ऑब्जेक्ट. क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, फ्रॉडुलेंट ऑब्जेक्ट. अगर किसी कंपनी का ऑब्जेक्ट यानी कि उसका उद्देश्य ही क्या है, फ्रॉडुलेंट है, यानी कि इलीगल है. हो सकता है पहले इलीगल ना हो, लेकिन टर्म्स में चेंज आने की वजह से, टर्म्स में मे बी लॉ में चेंज आ गया, तो लॉ में चेंज आने की वजह से अब वो कंपनी का जो ऑब्जेक्ट था फ्रॉडुलेंट हो गया. इसका एग्जाम्पल आपने अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत एक अच्छे से एग्जाम्पल था. ए और बी दो जने हैं, ए क्या करता है, बी की पर्सनल सेलिंग करता है. ठीक है, अब मान लीजिए बी और ए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ए बी को वीट देगा. ओके, पर्सनल सेलिंग. लेकिन थोड़े टाइम बाद गवर्नमेंट ने क्या करा, वीट की पर्सनल सेलिंग पर बैन लगा दिया और इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया. नाउ सपोज अगर इसके बाद भी ए बी को बेचता है तो ये क्या हो गया, फ्रॉडुलेंट. और ए का जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ही था वीट की पर्सनल सेलिंग, वो क्या हो जाएगी, फ्रॉडुलेंट हो जाएगी. तो इस केस में अगर किसी कंपनी का ऑब्जेक्टिव फ्रॉडुलेंट हो जाता है तो वहां पर ट्रिब्यूनल उसको वाइंड अप करने के लिए ऑर्डर पास कर सकता है. सो वी हैव डिस्कस आर थ्री केसेस, सॉरी सिक्स केसेस. दो स्टोरीज याद रखिएगा, लवली और लतिका, दोनों कौन थी, फ्रेंड्स थी. लवली रहती थी दिल्ली, लतिका रहती थी उड़ीसा, दोनों बेस्ट फ्रेंड थी. अब इसे यह वाला कोड आपको हमेशा याद रखना है. ओके, और इसके सिक्स रीजन फिर मैं दोबारा बता रही हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा. ओके, अब हम डिस्कस कर रहे थे व्हाट वी वर डिस्कसिंग, कंपल्सरी वाइंड अप ऑफ द कंपनीज, सॉरी कंपल्सरी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनीज, जिसके अंदर वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी 1, 2, 3 केसेस. तीन केसेस में सबसे पहले वाले में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना, दूसरे वाले में इनएबिलिटी टू पे डेट, द थर्ड वन इज जस्ट एंड इक्विटेबल. जस्ट एंड इक्विटेबल के 6 केसेस हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं. नाउ देर आर 4 मोर केसेस कंपल्सरी वाइंडिंग अप के. वो 4 केसेस कौन कौन से हैं, फटाफट से आइएगा, बहुत ही छोटे छोटे केसेस बचे हैं, 4, 5, 6, 7, देन हमारा पोर्शन जो है कंपल्सरी वाइंडिंग अप का वो खत्म हो जाएगा. सपोज करिए एक कंपनी है और उसने 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक, कॉन्जिक्यूटिव लगातार 5 सालों तक अपनी एनुअल रिटर्न्स, कंपनी की एनुअल रिटर्न्स उसने क्या करी, फाइल नहीं करी रजिस्ट्रार के पास. ठीक है, तो उस कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाएगा. ओके, फिर नेक्स्ट है,
अगर कंपनी एक्ट करती है अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब सपोज करिए कि किसी एनिमी कंट्री के साथ बिजनेस कर रही है, तो वो इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट बिजनेस कर रही है, वो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा और अलाउ नहीं करा जाएगा, तो ऐसी कंपनी को क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। नाउ द सिक्स पॉइंट इज, अगेन ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी का जो पर्पस है, ये इसे मिलता जुलता ये कि कंपनी का जो पर्पस है वो क्या हो जाता है, अनलॉफुल हो जाता है, या फिर कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को अनलॉफुल तरीके से किया है, या फिर कोई मिसकंडक्ट किया है, या फिर कंपनी को गिल्टी पाया जाता है, तो उस केस में कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है। नाउ द लास्ट वन इज वाइंडिंग अप ऑफ अ इन सिख इंडस्ट्रियल कंपनी। कौन सी वाली? सिख इंडस्ट्रियल कंपनी, यानी कि जो कंपनी बीमार है। सपोज करो, याद करिएगा क्लासरूम में एक एग्जांपल दिया था टीवी और रिमोट वाला, कि अगर आपका टीवी खराब हो, अगर आपका रिमोट खराब हो जाता है, तो आप नया टीवी नहीं खरीद के लाते हैं, आप नया रिमोट खरीद के लाते हैं। तो याद करिएगा मैंने कई बार बताया कि अगर कोई कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और वो सिख है, तो गवर्नमेंट चाहती है उस पर थोड़ा सा पैसा लगा करके उसी को ठीक कर दिया जाए। बट कोई ऐसी सिख इंडस्ट्रियल कंपनी है जिसका रिवाइवल, यानी कि उसको हम दोबारा से रिवाइव नहीं कर सकते विद इन रीजनेबल टाइम, मान लीजिए वो लेगी 25 साल, तो 25 साल इज नॉट रीजनेबल टाइम। अगर हम देखें 2-3 साल में पैसा लगा के कंपनी को ठीक किया जा सकता है, तो हम तो इसमें फिर पैसा लगाने को रेडी है, लेकिन 25 साल तक हम एक सिख कंपनी में पैसा नहीं लगा सकते हैं। तो अगर किसी सिख इंडस्ट्रियल कंपनी का रिवाइवल रीजनेबल टाइम में नहीं होता है, तो उसको भी बेटा हम क्या कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे। इसी के साथ साथ हमारा कंपल्सरी वाइंडिंग अप वाला पोर्शन खत्म होता है। नाउ अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हुमे पिटिशन टू द ट्रिब्यूनल, कि ट्रिब्यूनल के पास कौन पिटिशन कर सकता है। ओके, दिस वन एंड द नेक्स्ट वन इज कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं वाइंडिंग अप के, और वॉलेंटरी वाइंडिंग अप। टिल दैट रिवाइज द सिलेबस विच हैव ऑलरेडी डन इन द क्लास एंड द चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड नाउ। प्लीज पिंग मी फॉर योर डाउट्स ओवर माई वीडियो।